हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग गवर्नर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड सॉरी फॉर दैट, बहुत लेट हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए, सॉरी। तो मैं आज से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना? आज से मेरा स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। तो प्रीवियस में हम लोग कहाँ तक हम लोग देखे थे? प्रीवियस में हम लोग आई थिंक रोबोट क्लाइव, वारंग हेस्टिंग, एक बार हम लोग जो टाइम पीरियड है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, उसको मतलब शुरुआत करते पहले हम लोग एक मोटिवेशनल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि स्वयं को जो है मतलब खुद को कभी क्या समझे, कमज़ोर साबित मत होने दें। खुद को कभी कमज़ोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर क्या करते हैं लोग, दरवाजे लोग घर घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है कि स्वयं को कभी जो है कमज़ोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। तो उसी तरह है जीवन का जो व्याख्या है, डिपेंड इसी तरह इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरह ये चींटी, इसको देखिए कि किस तरह ये चींटी मतलब अपना जो है पूरा एक छोटा सा हो के भी अपना वजन जो है किस तरह मतलब वो अपना हाथ पे रख के एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग पहला हमारा क्या था, हमारा रोबोट क्लाइव था, ठीक है? पहला मेरा क्या था, हमारा रोबोट क्लाइव, रोबोट क्लाइव, ठीक है? रोबोट क्लाइव का जो शासन काल था वो था 1757 से लेके 1760, ठीक है? और फिर पुनः वो है 1765 में आता है, ठीक है? और 1766 तक ये शासन करता है, ठीक है? 1757 से लेके 1760 तक से क्या रोबोट क्लाइव का टाइम पीरियड है, और वह फिर वह पुनः आता है, वो 1765 से लेकर 1766 तक 2 साल तक इसका वर्किंग है, 3 साल वो 2 साल ये है, ठीक है? ठीक है, इसी में हम लोग देखे थे कि कंपनी के जो हमारे जो अधीन जो गवर्नर थे, ठीक है? जैसे कि हमारा वारंग हेस्टिंग देख लेते हैं, जो उसमें 3 जो गवर्नर थे उतना जो इम्पोर्टेंट नहीं था, बस में एक जो गवर्नर था कौन, वारंग हेस्टिंग। वारंग हेस्टिंग को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वारंग हेस्टिंग का जो शासनकाल था उसका था, बोलिए आप लोग, 1774 से लेके 1700 कितना? वारंग हेस्टिंग का जो शासनकाल था कितना था, 1774 से लेके, वारंग हेस्टिंग्स, ठीक है? वारंग हेस्टिंग का शासनकाल कितना था, 1774 से लेके 1785 तक, ठीक है? 1774 से लेकर 1785 तक इसका शासनकाल था वारंग हेस्टिंग का, ठीक है? इसी के शासनकाल में जो मुर्शिदाबाद जो इनकी जो राजधानी थी इसको हटा के कहाँ इसकी राजधानी किया गया, कलकत्ता किया गया था, ठीक है? मैं उसका पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसका मास्टर वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा तीसरा कौन आता है, सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है? सर जॉन मैकफर्सन जो हैं यह एक प्रकार के अस्थाई गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन मैकफर्सन, मैकफर्सन, ठीक है? ये क्या थे, एक प्रकार क्या थे, अस्थाई गवर्नर थे। इसका बस शासनकाल जो है एक ही साल रहता है, 1785 से लेके 1786 तक, ठीक है?
इसका जो शासन काल जो है वो एक ही साल तक रहता है, ठीक है। इसका शासन काल क्या है, 1783 से लेकर 1786 तक। यह क्या है, एक स्थायी गवर्नर जनरल के रूप में ये इन्हें स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा है, नेक्स्ट मेरा क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन इससे हमारे आते हैं, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका जो शासन काल कितना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासन काल है आई थिंक आप लोग बताइए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन काल कितना है, 1786 से लेके 1786 से लेके 1793 तक, ठीक है, 1793 तक, ठीक है, 1786 से लेके 1793 तक। और फिर वो 1805 में समथिंग ये कुछ फिर ये बनते हैं, ठीक है, 1786 1793 तक, बस इतना याद रखिए, ठीक है। 1786 से लेके 1793 तक फर्स्ट हम लोग देखे थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल कितना था, 1757 से 1760 तक, और फिर वह पुनः आते हैं 1765 से 1766 तक ने शासनकाल किया था। नेक्स्ट मेरा क्या, वारंग हेस्टिंग। वारंग हेस्टिंग शासनकाल कितना, 1774 से लेकर 1785 तक, ठीक है। वारंग हेस्टिंग शासनकाल कितना, 1774 से लेकर 1785 तक। फिर क्या, सर जॉन मैकफर्सन जो है वो एक अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाते हैं। इसका शासनकाल कितना, 1782 से लेकर 1786 तक, ठीक है। फिर क्या आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कितना, 1786 से ये अपना स्टार्टिंग पोजिशन करते हैं और 1793 तक इसका शासनकाल लास्ट रहता है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक देखे थे। नेक्स्ट जो मेरा है पचवा पॉइंट, हम लोग क्या देखे थे, कॉर्नवालिस को हम लोग क्या करते हैं, भारत के नागरिक सेवा का जनक भी हम लोग इसके रूप में इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। हम लोग सारा इसमें डिस्कस किए हुए हैं मास्टर वीडियो में, और वहाँ पर जाकर देखिए मेरे यूट्यूब पे, ठीक है। और सारे वहाँ पे वीडियो बहुत अपलोड किए हुए हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो है मैं वही अपलोड करता हूँ, ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्या है कि हम लोग लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हम लोग पढ़ चुके थे, अब क्या है सर जॉन शॉर। सर जॉन शॉर जो हैं, पचवा पॉइंट हम लोग का होगा ना आई थिंक, हाँ, सर जॉन शॉर जो हैं वो इसका वो शासनकाल क्या था, सर जॉन शॉर, सर सर जॉन शॉर इसका जो शासनकाल जो है 1793, ठीक है, 1786 से लेकर 1793 तक कौन थे, कॉर्नवालिस थे। तो सर जॉन शॉर जब आए तो 1793 से लेकर 1798 तक इसका शासनकाल था, ठीक है, 98, ठीक है, 1798 तक इसका शासनकाल था, कौन, सर जॉन शॉर का। नेक्स्ट जो मेरा है, सर जॉन शॉर जो है इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अहस्तक्षेप नीति जो इसने अपनाई थी। नेक्स्ट मेरा क्या है, लॉर्ड बेलेल जी। नेक्स्ट मेरा क्या है, लॉर्ड बेलेल जी, लॉर्ड बेलेल जी जो है इसका जो शासनकाल क्या है, 1798 तक यहाँ तक तो क्या था, फिर मैंने क्या है 1798 से लेके 1805 तक, ठीक है। लॉर्ड बेलेल जी का शासनकाल कितना है, 1805 तक। लॉर्ड बेलेल जी का शासनकाल क्या है, 1805 तक। इसी ने सहायक संधि की प्रगति की शुरुआत की थी, और इसी के शासनकाल में ही इसी के पहले जो सहायक संधि जो हैं, जो हमारे सहायक संधि जो लागू किए थे लॉर्ड बेलेल जी शासनकाल में, तो किए थे ही, और इसके पहले ही कोई और जो है गवर्नर इसका यूज कर चुका था, वो कौन थे, कौन थे, इसका आंसर दीजिए, कौन थे, फ्रांस के जो गवर्नर थे वो कौन थे, ड्रुपले, ठीक है, ड्रुपले जो थे पहले ही ने सहायक संधि का इस्तेमाल पहले ही कर चुके थे। और इसी के शासनकाल में क्या है कि टीपू सुल्तान जो हैं चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में, कब हुआ था, 1709 में, इसकी इसकी टिप्पू सुल्तान की इसमें मौत हो चुकी थी, ठीक है, इसको मार दिया गया था, ठीक है। अब लोग देखते हैं सर जॉर्ज वाले, ठीक है, सर जॉर्ज वाले इसका जो शासनकाल है कितना है, 1805 से लेके 1807 तक, सर जॉर्ज वाले,
सर जॉर्ज बाले, कितना, 1805 से लेके 1807 तक, ठीक है। सर जॉर्ज बाले का शासनकाल है, 6 नहीं है, 0 है, ठीक है। सर जॉर्ज बाले का जो शासनकाल है 1805 से लेके 1807 तक, और इसी के समय में क्या हुआ था कि सिपाही विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था, सर जॉर्ज वाले के शासनकाल में, ठीक है। बस मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ कि आप लोग, इतना दिन से छूट गया है वीडियो अपलोड किए हुए, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन हमेशा करते रहिए, जब तक कुछ हो ना जाए, जब तक कोई जॉब ना मिल जाए, तब तक रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो प्रथम, नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है, इसका जो शासनकाल है क्या है, 1807 से लेके, ठीक है, 1807 से लेके क्या, 1813, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो शासनकाल है 1807 से लेके 1813, 1805 में कौन आए थे, सर जॉन बाले, जिसने इसी के शासनकाल में सिपाही विद्रोह हुआ था, और 1807 में ही, 1807 से लेके 1813 तक कौन है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। और इसी काल में जो हमारे जो रणजीत सिंह हैं, जो पंजाब के रहने वाले थे, अमृतसर के, इसने क्या किए थे कि अंग्रेज़ों के बीच जो है 1809 में एक संधि की थी, एक सहायक संधि, जो मध्यस्थता जो होती है, इसी के काल में किया गया था, ठीक है। और इसी के शासनकाल में ही 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। 1813 में क्या, चार्टर एक्ट सर लॉर्ड मिल्टो प्रथम के शासनकाल में ही, क्या 1813 में क्या किया था, ऐसे एक चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट जो होता है, एक पारित किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स देख लेते हैं, इसका जो शासनकाल क्या है, 1813 तक हम यहाँ देख चुके थे। अब हमारा क्या, 1813 से लेके 1800, बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स शासनकाल क्या है हमारा, 1813 से लेके 1823 तक, ठीक है, 1813 से लेके 1823 तक किसका शासनकाल है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है। और इसी में जो है पिंडारियों का समूह जो हुआ था, ठीक है, इनके समय में जो पिंडारियों का दमन ही हुआ था, और फिर ठीक है, इसी के समय में जो जो अंग्रेज़ और नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 में, इसी में जो नेपाल के जो अमर सिंह, जो थापा थे, उसने क्या किए थे, लड़ाई नहीं करने के कारण उसने क्या किए, आत्मसमर्पण कर लिया था, और 1816 में वहाँ पे जो नेपाल के जो गोरखा जो हैं, वहाँ पे उसने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ संसाधनों की कमी से उसने अंग्रेज़ों ने गोरखा को हरा दिया। उसी कारण से क्या है कि वहाँ पे एक संधि की गई थी अंग्रेज़ों और नेपालों के बीच में, एक जो संधि क्या थी, संगोली की संधि के तहत से, ठीक है, तहत क्या है कि अंग्रेज़ और नेपाल का जो युद्ध था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके थे, आप वो देख सकते हैं वहाँ पे जाके, मस्त बहुत सारे मैं समझाया हुआ हूँ उस पर, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है हमारा, 9 तक हो गया पॉइंट, ठीक है, आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि मस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, 10, ठीक है, 10th में मेरा क्या क्या था हमारा, लॉर्ड एम्स हर्ट्स, लॉर्ड एम्स हर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, लॉर्ड एम्स हर्ट्स, ठीक है। लॉर्ड एम्स हर्ट्स का शासनकाल क्या है, 1823 से लेके 1800 कितना हमारा, 1823 से लेके क्या हुआ, 1828 तक, ठीक है, लॉर्ड्स एम्स हर्ट्स, ठीक है। लॉर्ड्स एम्स हर्ट्स के शासनकाल में ही अंगला और बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। अंगला और बर्मा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1824 से लेकर 1826, 2 साल तक इसका लड़ाई चल रहा था, ठीक है। और इसी में एक संधि के तहत, इसका संधि का नाम क्या है, यांडवू, यांडवू संधि के तहत जो है
लॉ अंग्रेज और वर्मा के बीच में मध्यस्थता किया गया दोनों के बीच में, और इस युद्ध को समाप्त किया गया था। और इसी में कि बैरकपुर में ही 1824 में ही सैन्य जो है विद्रोह इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड्स एम्सहर्स्ट के शासनकाल में ही। ठीक है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में लोग देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था हमारा। पहले इसका टाइम पीरियड बताइए हम लोग, लॉर्ड विलियम वेटिंग। ठीक है, 1828 तो हम लोग देख चुके थे। अब हमारा क्या है, 1828 से लेके कितना हमारा जाएगा, 1800 बताइए, 1828 से लेके हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब हमारा क्या जाएगा, 1835। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल जो है 1828 से लेके 1835, 1828 से लेके 1835 जो है लॉर्ड विलियम इसका जो शासनकाल है क्या है, 1828 से लेकर 1835। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, थोड़ा मैं इसके में इसी में बताता हूँ कि इसका जो जो था सती प्रथा जो हमारा है दयाराम सॉरी राजाराम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1829 में इसने एक सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, 1833 में चार्टर के द्वारा बंगाल एक गवर्नर जनरल को भारत एक गवर्नर जनरल से नियुक्त कर मतलब बना दिया गया पूरा। ठीक है, 1833 में किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, किस एक्ट के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा कि 1813। ठीक है, 1813 में वहाँ पे 1813 में वहाँ पे क्या हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रथम में 1813 का चार्टर अधिनियम जो एक्ट पारित किया गया था। यहाँ पे क्या है, 1833 इसमें क्या है कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल से नियुक्त किया गया था, किसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए किस तरह जो है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसकी जो माइंड जो है, इसका जो माइंड जो है बहुत ही इसका तेज होता है, बहुत ही। क्योंकि इसको ले के चढ़ना दीवार पे वो बहुत बड़ी टफ है, लेकिन ये कितना आसान तरीका से अपना वो चढ़ जाता है। ठीक है, होप यू आर वेल। और हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसका मैं एक टेस्ट दूँ सबको। ठीक है, हम लोग आई थिंक लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक ख़त्म कर चुके थे, तो मैं इसका एक पीपीटी तैयार कर रहा हूँ जिसमें पूरा जो है 150 से 200 क्वेश्चन रहेगा इसी के बेसिस पे। तो आप लोग इसको आप मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डाल दूँगा इसका एक पीपीटी, आप लोग उसको प्रिंट आउट करवा लेके इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए कितना आता है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। आगे हमारा है 1835 से लेके हम लोग 1828 से लेके 1835 तक इसका शासनकाल देखे थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक शासनकाल। अब हम लोग देखेंगे चार्ल्स मैट कॉफ। ठीक है, इसका जो शासनकाल है कितना है, चार्ल्स मैट कॉफ का जो शासनकाल है, ठीक है, क्या है, 1835 से लेके 1836 तक, 1835 से लेके 1836 तक। ठीक है, 1835 से लेके 1836 तक ओनली वन एक साल ही इसका टाइम पीरियड रहता है। इसके शासनकाल में ही जो है प्रेस पर जो नियंत्रण हटाया था, ठीक है, इसने जो क्या है कि प्रेस पे जो है नियंत्रण जो है इसने क्या किया था, इसने हटाया था। ठीक है, क्या किया था इसने, प्रेस पे जो है इसने नियंत्रण को इसने हटाया था। ठीक है,
इसने क्या किया था, इसने यह काम किया था कि एक वर्ष के कार्यकाल में, ठीक है, एक वर्ष के कार्यकाल में इसने क्या किया था कि जो प्रेस जो होती है, जो मीडिया होती है, इस पे क्या किया था, नियंत्रण को इसने हटाया था। ठीक है, क्या किया था इसने, नियंत्रण को इसने हटाया था। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से कि किसके शासनकाल में जो प्रेस पे लगे जो प्रतिबंध को समाप्त कर, ठीक है, समाप्त कर प्रेस के जो मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे, ठीक है, किसके शासनकाल में, ठीक है, किसके शासनकाल में लगे थे वो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल क्या था, 1813 से लेकर 1823 तक। रिकॉल कीजिए, माइंड को हमेशा रिकॉल करते रहिए, बहुत याद होगा। ठीक है, 1813 से लेकर 1823 तक किसने प्रेस पे लगे जो प्रतिबंध थे उसने समाप्त किया था, किसके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल में। तो यहीं पे आता है कि एक वर्ष के काल में जो प्रेस पर जो नियंत्रण जो है इसने हटाया था, किसने, शासनकाल में, चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल में। इसलिए इसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय प्रेस के से मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय जो है भारतीय प्रेस का से हम लोग क्या कहते हैं, मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि, ठीक है, प्रेस पर जो नियंत्रण हटाया जो गया था किसके शासन में हटाया गया था, चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल में। ठीक है, और भारत के जो प्रेस के जो मुक्तिदाता कौन है, कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, इसी शासनकाल में इसने ये सारे काम किए थे। नेक्स्ट मेरा क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी, क्या हुई थी, अंग्रेज और अफगान युद्ध। ठीक है, क्या हुई थी, अंग्रेज और अफगान युद्ध। इसका जो शासन, इसका जो युद्ध हुआ था 1800 का हुआ था, 1800 जो है 39 से लेके, ठीक है, 1842 तक। ठीक है, 1839 से लेके 1842 तक इसका अंगला जो है अफगान युद्ध, मतलब अंगला और अफगान के बीच में, ठीक है, अंग्रेज और अफगान के बीच में इसका युद्ध चल रहा था, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, और 1839 में इसने क्या किया, ठीक है, इसने कलकत्ता से दिल्ली तक जो है क्या है, क्या किया इसने, ग्रैंड ट्रक। ठीक है, ग्रैंड ट्रक को इसने क्या किया, जो रोड, जो हाईवे जो है इसने क्या किया, मरम्मत करवाया था। ठीक है, 1839 में, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड दिल्ली से कलकत्ता तक उसने क्या किया था, जो एक हाईवे है उसने, हाईवे का नाम क्या है, रॉड ट्रक, रॉन्ड ट्रक, ठीक है, इसने मरम्मत करवाया था। इसी के समय में जो जो हमारे भारतीय जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, भारतीय जो विद्यार्थियों को क्या किया इसने, बहुत बड़ा जो योगदान है, इसी का योगदान है, डॉक्टरी का शिक्षा हेतु विदेश जाने, ठीक है, डॉक्टरी का शिक्षा हेतु हेतु के लिए, और शिक्षा, डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की, ठीक है, जो परमिट जो होती है, जो पर जो जो परमिशन जो होती है, ठीक है, ठीक है, उसने ब्रिटिश संसद से प्रदान की। ठीक है, बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, इसके शासनकाल में तो बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने के लिए किसके कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, किसके कार्यकाल में किया था, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो जो है इसके शासनकाल में देखते क्या है, लॉर्ड एलन बरो जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना हुआ था, अंग्रेज और सिख के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना है, लॉर्ड एलन ब्रो का जो सबसे जो महत्वपूर्ण घटना क्या है, इसका जो शासनकाल है क्या है, इसका जो शासनकाल है 1842 से लेकर 1844 तक। ठीक है, 1842 से लेकर 1844 तक का शासनकाल है। ठीक है,
1842 से लेकर 1844 तक इसका शासनकाल है, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो का, लॉर्ड एलन बरो का। प्रथम जो अंगला जो अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम अंगला जो अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम अंगला जो अफगान जो युद्ध हुआ था समाप्त हुआ था इसी के शासनकाल में, ठीक है। प्रथम जो अंगला अफगान जो युद्ध हुआ था ये समाप्त कब हुआ था? इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और प्रथम जो अंगला युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1824 से लेकर 1826 तक, ठीक है, 1824 से लेकर 1826 तक इसका प्रथम अंगला अफगान युद्ध, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बर्मा हो गया ना, बर्मा जो युद्ध हुआ था आई थिंक 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था, ठीक है, 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था, ठीक है। प्रथम जो अंगलाट बर्मा युद्ध, ठीक है, हम लोग बर्मा कहेंगे, बर्मा, ठीक है। तो इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? अंगला जो अफगान युद्ध हुआ था इसी के शासनकाल में समाप्त हुआ था इसका जो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया था, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये जो है ये गलत है, ठीक है। ये जो प्रथम अंगला बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1824 से लेकर 1826 तक। ये जो हुआ था अंगला अंगला जो है अफगान युद्ध जो हुआ था, अंगला जो अफगान जो हमारा युद्ध हुआ था ये 1800 आई थिंक 1839 से लेके 1842 में शायद इसका, ठीक है, 1842 में क्या हुआ था ये शायद समाप्त हो गया था, ठीक है, अंगला अफगान युद्ध। तो किसके शासनकाल में अंगला अफगान युद्ध जो समाप्त हुआ था कब हुआ था? 1839 से लेके 1842 तक, 2 साल चला था, 41-42, ठीक है। और किस किसके शासनकाल? लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ये हुआ था। और इसी में देखा गया है कि जो सिंध है, ठीक है, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश जो है साम्राज्य से मिला लिया था, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य से इसको मिला लिया था, ठीक है, पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से इसको मिला लिया गया था, ठीक है। और इसी में हम लोग देखते हैं दास प्रथा का जो उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, ठीक है, दास प्रथा का जो उन्मूलन जो हुआ था इसी के समय में हुआ था, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, दास प्रथा का जो उन्मूलन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलन ब्रो शासनकाल में हुआ था। और किस एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1843 के जो है एक्ट 5 के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1843 के जो एक्ट जो है दास प्रथा का जो आंदोलन जो किया गया किया था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है एक्ट 5 के द्वारा इसे किया गया था। नेक्स्ट जो मेरा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉर्ड डल हॉलजी, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन बार बार आता है इसके, तो लॉर्ड डल हॉलजी को थोड़ा देख लेते हैं, लॉर्ड डल हॉलजी के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, अच्छा लॉर्ड हॉन्डिंग थोड़ा नहीं पढ़े हैं, लॉर्ड हॉन्डिंग थोड़ा देख लेते हैं, लॉर्ड हॉन्डिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्ड हॉन्डिंग में क्या है कि इसका जो शासनकाल है 1844 से लेके 1848 तक, लॉर्ड हॉन्डिंग का, ठीक है, लॉर्ड हॉन्डिंग का शासनकाल क्या है? 1844 से लेके 1848 तक, क्या है?
1844 से लेकर 1848 तक लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल। ठीक है, इसके काल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है क्या है, अंगला प्रथम प्रथम अंगला जो सिख युद्ध था, ठीक, अंग्रेज और सिख के जो बीच में युद्ध हुआ था कब, वो 1845, ठीक है, 1845 से लेकर 1846 तक, 1845 से लेकर 1800, मतलब एक साल चला था इसका नॉर्मल जो युद्ध चला था। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ जो हैं विजय होते हैं, ठीक है, और कुछ संगोली के संधि के तहत जो है 1845 से लेकर 1846 तक, ठीक है, 1845 से लेकर 1846 तक इसका जो युद्ध चलता है, ठीक है, और आई थिंक कुछ संधि के तहत जो है इसको जो है इसे मिला लिया जाता है कुछ संधि के तहत इसको मिलाया जाता है, आई थिंक ठीक है, इसके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है क्या है, लॉर्ड हॉर्डिंग के जो हैं 1845 से लेकर 1846 में प्रथम जो अंगला जो सिख युद्ध होता है, ठीक है, प्रथम जो अंगला जो आई थिंक सिख युद्ध जो होता है, सिख जो है मतलब सिख युद्ध जो होता है, जब दोनों के बीच में जब युद्ध होती है तो उसमें क्या होती है कि जो सिख जो हैं वो हार जाते हैं और जो अंग्रेज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो जीत जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जीत जाते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग और देखेंगे आगे इसने नरबली प्रथा पर क्या किया, इसने प्रतिबंध लगाया था। नरबली मतलब क्या होता है कि मनुष्य को मतलब मार देना, मतलब क्या है वही, मतलब मनुष्य को मार देना या किसी का जीव हत्या करना। ठीक है, इस पर क्या किया लगाया, इसे प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्या किया इस पर, इस पर प्रतिबंध लगाया, बहुत बड़ा काम किया है इसने। ठीक है, इसने क्या किया, प्रतिबंध लगाया किस पे, जीव हत्या पे, या नरबलि मतलब क्या, किसी मनुष्य को किसी जाति को या किसी को मतलब मार देना, या उस पर क्या किया इसने, बैन किया। नेक्स्ट चलते हम लोग हैं, इम्पोर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है, ऐसा करते हैं कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।